दो या दो से ज्यादा बल्ब सीरीज में हो तो उसका ओवरऑल पावर कैसे निकालते हैं और कौन सी बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगी उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए सीखते हैं विद इन 60 सेकंड। यहाँ पर आपको दो बल्ब दिखाई दे रहे हैं जिसका रेटिंग हमें दिया रहता है यानी कि 10 वॉट और 120 वोल्टेज ऐसा कुछ रहता है, तो P1V P2V, और इसको अगर मैं V के साथ कनेक्ट करूं तो इसका ओवरऑल सीरीज में जो पूरा पावर होता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। देखिए बच्चा अगर आप ध्यान से समझे तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो पावर P = I²R के हिसाब से ब्राइटनेस यानी कि जो चमक है किस बल्ब की ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि P बराबर में I²R के बेसिस पे करंट तो दोनों में सेम जा रहा है। अच्छा अब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V²/P है, तो जिस भी बल्ब का पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसी की चमक सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी ब्राइटनेस उसकी चमक भी ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा कि 10 वॉट और 20 वॉट को सीरीज में लगाइएगा तो कौन ज्यादा चमकेगा, 10 वॉट। ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरीके की फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन फिजिक्स की वीडियोस के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।